क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग सेवन साइड्स, 11 साइड्स, 16 साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे पहले हम ए सॉल्व करते हैं। पहले आप यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है, ये आपने लिख दिया बच्चों। क्या होता है एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब एन क्या है यहाँ पे, सेवन है, तो सेवन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो सेवन में से टू के बचा फाइव मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो पाँच जीरो जा जीरो, पाँच अट्ठे चालीस का जीरो, फोर पाँच कम पाँच एक नौ, 90 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया ए का, ठीक है। देखो बहुत आसान है, ऐसे आप इजीली कर सकते हो इसको। चलिए बच्चों बी पार्ट देखिए, मैंने यहाँ पे बी लिख लिया है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ये लाइन तो आपको दोबारा से लिखनी थी तो मैंने इसको रब नहीं करा, ठीक है। इस बार कितने हैं बी में, कितने हैं एन 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 11 में से दो गए 9 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, सो 9 जीरो जा जीरो, 8 नीम 72 का 2 7 कैरी, 9 एकम 9, 9 और 7 होते हमारे 16, ये हमारा हो गया बी का आंसर, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, ये बी का आंसर हो गया। सी पार्ट देखिए बच्चों, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ये तो आप लिखोगे ऑफ अ पॉलीगॉन कितना होता है 360 होता है, 360, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, माफी चाहता हूँ बच्चों, सी पार्ट देखिए बच्चों, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल्स टू एन माइनस टू इंटू 180, ये तो आपको लिखना ही लिखना था तो मैंने इसको अब नहीं करा, ठीक है। एन कितना यहाँ पे 16 है माइनस 2, ठीक है, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। तो इसका एक ही क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन नंबर 5 था ना, बस वो थोड़ा इसमें ट्रिकी था, 11.2 में कुछ ट्रिकी है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और मैं एक बार को बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पार्ट था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 16 में से 2 गए 14, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ अच्छा था। इन 11.2 में से अगर कुछ आएगा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें और क्वेश्चन नंबर 5 करें अच्छे से, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो बाद में लगा लेंगे, 4 8 32 का 2, 3 करी 4 एकम 4, 5 6 7, ठीक है, ये हो जाएगा 18, सो 2 7 7 14 15 का 5 1 2 5 2 2 5 2 और 0 तो रह गया था 0, ये हमारा आंसर हो गया सी का, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट।